दूध की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है और ये देखिए इतना ठंडा लेना है कि इसमें आइस जमी हो, और ये कच्ची आइस जमी हुई है और ये एक बार भी बॉईल किया हुआ दूध नहीं है। मैं इस एक गिलास में इसे ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो बॉईल किया हुआ हो लेकिन ऐसे कच्ची आइस इसमें जमा लेनी है और ये सारी कच्ची आइस इसमें ऐड करेंगे। और अपन ने एक गिलास में ये सारा दूध ऐड कर ही दिया, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच रोज सिरप। अगर आप एक चम्मच रोज सिरप ऐड कर रहे हो तो आपको इसमें मीठा शुगर पाउडर ये डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि रोज सिरप में पहले ही मीठा होता है और ये रोज सिरप इसमें डाल देंगे। रोज सिरप की जगह अगर आपके पास फ्रेश गुलाब की पत्तियां हो तो फ्रेश गुलाब की पत्तियों को ग्राइंड कर लीजिएगा, फिर इसे दूध में ऐड कर लीजिएगा और शुगर पाउडर मिला लीजिएगा। मेरे पास फ्रेश पत्ती नहीं है, ड्राई की हुई पत्तियां हैं तो मैं वो ड्राई की हुई पत्तियां ऐड कर रही हूँ और इस रोज सिरप को इसमें मिक्स कर लेंगे। गर्म नहीं करना है, गर्म ही ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, उसमें अपन ऐड कर देंगे ये ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से काजू पिस्ता जो भी आपके पास हो आप वो ऐड कर सकते हो। और ये लीजिए अपना टेस्टी सा दूध, 2 मिनट में तैयार हो चुका है, बच्चों को इतना पसंद आएगा ना, इसलिए आपसे यही दूध बनवाएंगे। और इसके फायदे भी है, कोई नुकसान नहीं करता है, रोज दिमाग को शांत करता है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो दिमाग तेज होता है, बच्चे बड़े सभी इस दूध को पी सकते हैं। सुबह पी सकते हो आप मॉर्निंग टाइम में या आप आफ्टरनून में पी सकते हो, लेकिन सोते टाइम इसे नहीं पीना है क्योंकि ये इतना ज्यादा फायदा नहीं करता है। अगर आप फ्रेश गुलाब की पत्तियों का दूध बना रहे हो ना तो आप रात को भी पी सकते हो। टाइम पीने के फायदे ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता ही चुकी हूँ और बनाने का तरीका भी। अगर आपको प्लीज ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।